हेलो एवरीवन। इस बार ये लाइव वीडियो नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है विच इज गोइंग टू पब्लिश ऑन माय चैनल राज सामानी फैन हाउस। सो आपने काफ़ी सारी लाइव वीडियोस ऑलरेडी अब देखी होगी, बट मैं भी देखी तो कोई बात नहीं, मैं अपना को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ है प्रताप सिंह, आई एम करेंटली सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट एंड परसुइंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो देखिए बेसिकली क्या है कि इस वीडियो का मेरा पर्पस क्या है, मतलब पहले भी सारे टॉपिक डोमेन्स पर हमने बात कर ली ऑलरेडी, इस वीडियो में हम काफ़ी डोमेन्स पर बात करने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि मैं अपने बनाता हूँ वीडियोज़ को ऐसा रिकॉर्डेड फॉर्मेट, क्या से 2 साल बाद 3 साल बाद देखूंगा तो हाउ मच आई ग्रो, देन आई कैन बी यू नो मेक थिंग्स सेटल डाउन। बेसिकली क्या है कि जिस प्रकार से हमने बिहेवियर की पहले बात करी हुई है, कैसे बिहेवियर चेंज होते हैं पर्सन टू पर्सन, जो परसेप्शन चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, बट चीज क्या है कि डिफरेंस एक्सपीरियंसेस की बेस, बिकॉज मेरे को क्या है कि एक साल होने वाला है, क्या है कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई 1 साल होने वाला है आज से, लगभग 1 साल पहले मैं उस ऑरा में था कि हाँ कॉलेज लाइफ में जाऊंगा, नए लोगों से मिलूंगा, नए दोस्त बनाऊंगा, एक और एक्साइटमेंट जो होती है। बट 1 साल में ही है ना, 1 साल में क्या है कि प्रायोरिटीज की इंटेंसिटी बढ़ गई है और लोगों से मिलना मिलाने का जो वो एक चरिज्मा कहता है, आई थिंक चरिज्मा टू यू नो मीट न्यू पीपल, वो डाउन हो गया है। बिकॉज आई इंटरेक्ट विद पीपल प्रोफेशनली, अपने पॉडकास्ट के लिए यू नो प्रोफेशनली इंटरेक्ट करता हूँ, अपने कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप्स के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो वो एक प्रोफेशनल वाइब में बना हुआ है। बट इट्स नॉट अबाउट ऑल टाइम प्रोफेशनल, कभी सोशल स्किल्स भी अपनी होनी चाहिए आपके पास, यू नो पर्सनल भी होना चाहिए कि पर्सनली लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो हाउ यू डील विद देम इन योर पर्सनल ऑरा। बिकॉज यू नो मैंने पढ़ा था आई थिंक 11th 12th में फिजिकल एजुकेशन में कि एक आपका पर्सनल स्पेस होता है, देन आपका प्राइवेट स्पेस होता है, प्रोफेशनल स्पेस होता है, यहाँ पे अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं, सबको आप पर्सनल या प्राइवेट जोन में रह सकते, सबको प्रोफेशनल जोन में नहीं रह सकते, सबके अलग अलग इंटरफेरेंस है। सो उस चीज़ के हिसाब से समझना पड़ता है कि ठीक है प्रोफेशनली अगर आप अच्छे हो ठीक है, बट वॉट अबाउट वैन पीपल आर इन योर प्राइवेट जोन एंड वॉट अबाउट वैन पीपल आर इन पर्सनल जोन, तो आप वहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज इन तीनों जोन पे बंदे जो है डिफरेंट रिएक्ट करेंगे। एक सोशल स्पेस भी होता है कि सोशली आप जब स्ट्रेंजर्स के सामने हो तो कैसे रिएक्ट कर रहे हो, सो वो चीज़ का एक समझ होता है और चीज़ को उसके समय पढ़ा था हमने कि हाँ चलो उसकी थ्योरी पढ़ ली, उसका क्या डेफिनेशन है वो पढ़ लिया, क्या उसका एरिया का साइज होता है वो पढ़ लिया। बट नाउ जब कॉलेज लाइफ में है, जब हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिले हुए हैं, हम किसी के पर्सनल एरिया में, हम किसी के प्रोफेशनल एरिया में है, लोग हमारे प्रोफेशनल पर्सनल एरिया में है, देन चीज़ें की ना चेंज हो रही है। जब फर्स्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी कंफ्यूज भी था, एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ यार अब नए नए लोग हैं, तो ऐसा मैं शाय टाइप भी था, अब भी शाय टाइप हो, ऐसा नहीं कि काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ, अभी मैं शाय हूँ और शायनेस की ना इंटेंसिटी का क्लैरिटी आ गई है। पहले क्या था शायनेस था तो एक यू नो इनसिक्योरिटी लगती थी कि लोगों से मिलेंगे कैसे, नए लोगों से बात कैसे करेंगे, बट अब क्या है शायनेस के साथ साथ भी यू नो कॉन्फिडेंस है कि ठीक है शाय है, आई वी नो कि हमारा एरिया कौन सा है, वी नो कि हमारा जोन कौन सा है, किन लोगों को जोन में लाने का वो डिजर्व करते हैं, उससे सी क्लैरिटी हो चुकी है। अब किसी को नहीं कि ठीक है ये बंदा यू नो बहुत अच्छा, तो सब बात कर लेते हैं, नहीं, वी नो आवर स्पेस, वी नो आवर लिमिट्स, तो उसी क्लैरिटी एक साथ में आई है जैसे 1 साल पहले नहीं थी। लोगों से डील करने का तरीका बदल गया, मतलब बेसिकली ये नहीं कहूँगा कि आप मैंने कुछ बहुत बड़ा सीख लिया लाइफ में अपने, बिल्कुल नहीं, बट लोगों से डील करने का जो मेथड होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम हर एक जोन में जब जाते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अपने टीचर से बात कर रहे हो, अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हो, तो उस प्रोफेसर से बात करने का ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट अप जाके उनसे बोल दो कि मैम ये जो लड़का मेरे को तंग कर रहा है, मैम ये जो मिस्टर मुझे ये बोल दिया, वो स्कूल तक था 9th 10th 11th तक आपका कि आज मुझे ये बोल दिया सर, इसने ये हरकत कर दी, एक्टिविटी कर दी। अब कॉलेज में क्या है ना कि मतलब थोड़ा सा चीज़ें स्प्रेड हो गई है, लोगों के डायमेंशन स्प्रेड हो गए हैं, लोगों को यू नो एक फ्रीडम मिल गई है कि ना हम ये भी कर सकते हैं लाइफ में। स्कूल लाइफ में क्या था कि ठीक है टीचर जो कह रही है, पेरेंट्स जो कह रहे हैं, उन्हीं के अंडर में काम करना होता है, थोड़ा बहुत चिल जोन मिल गया, दोस्तों सुन लेते थे कि हाँ दोस्त भी कह रहे हैं चलो उनकी सुन लेते हैं, सो अपना इतना वो नहीं था इंटरफेरेंस कि हम किस प्रकार से अपना को शेप करें, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलती। मैं देखता हूँ कि काफी लोग स्कूल लाइफ में काफी यू नो नेक्स्ट लेवल थी जब मैं स्कूल में तब भी थी और अभी मैं देखता हूँ तब भी है, तो चीजें हर बार नया शेप लेती रहती है। हाउ यू यू नो शेप योर सेल्फ मेक्स द होल डिफरेंस, बिकॉज चीज़ें बदलेंगी, इन्वायरमेंट बदलेगा, ये जो कमरा है कमरे के डायमेंशन बदलेंगे अगले 2-3 साल 4 साल में, बट इस रूम में रह के या इस रूम के आसपास रह के आप अपना कितना शेप कर रहे हो, दैट्स मेक द होल डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे बात अपनी भी नहीं है ना, मतलब मैं अब स्टार्ट करूँ मेरा समय के साथ ये चीज़ हो चुकी है कि नहीं मेरे को अपने आप पर काम करना ही है, बट अपने आप से ज़्यादा जो आगे आने वाली जनरेशन है उन पर कैसे इम्पैक्ट मेरे आज की एक्टिविटीज डाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आज के डेट में जो मैं आज कर रहा हूँ
वहां से 4 साल बाद 5 साल बाद फिर कंपाउंड होगा, मुझे भी नहीं पता। द ओनली थिंग दैट आई नो कि आज मेरे पास समय है, आज मेरे पास स्किल है, आज मेरे पास रिसोर्सेज है, तो व्हाई आई कैन नॉट यूज ऑल दीज थिंग्स टुडे इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट फियर कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, या व्हाट आई एम डूइंग टुडे हाउ विल इम्पैक्ट माई फ्यूचर, उस चीज के डर से मैं क्यों बैठा रहा हूँ, एक वो चीज है। तो समय का से मैं बात कर रहा था कि 1 साल में क्या चीज बदली है, कॉलेज लाइफ ने मेरे को क्या क्या एक नया आयाम दिया और आगे आगे भी देगा, 3 साल बचे हुए बेसिकली, तो आगे 3 साल क्या देगा, और काफी डिफरेंट, बिकॉज हर महीने से मैं बता रहा था, पहले मैंने एक लाइव में बताया था कि हर महीने मतलब क्या है कि ये 11 नवंबर को मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो 11 महीनों में 11 तरीके की लर्निंग्स मेरे को मिली है मिनिमम, मतलब 15-16 लर्निंग्स मेरी कुछ साल में जब मैं बैठूंगा 31 दिसंबर को, तो 15-16 ऐसी लर्निंग्स होगी जो लिखूंगा कि इस साल मैंने क्या क्या चीजें करी है, मतलब लास्ट वीक जो होगा मैं करना है मेरे को, लास्ट वीक जो है आप सब भी करेगा जो वीडियो देखो, कभी जब भी देखोगे आप वीडियो, कि अपने लास्ट वीक जो है साल का वो डिवोट कर दो कि पूरे साल आपने क्या क्या किया, किस तरह की मिस्टेक्स करी है, क्या क्या चीजें आपने यू नो कर सकते थे अच्छा, बट आपने बिगाड़ी है, किस ये हो गई खुद से, किन व्यक्ति से आप रिलेशन अच्छे रख सकते, बट आपकी खुद की एक्टिविटीज ने उन चीजों को बिगाड़ा, किन लोगों ने आपसे बिगाड़ा जेन्युइनली, तो वो चीजें फिगर आउट करनी पड़ेगी, फिगर आउट करेंगे भी अपन लोग। बट मेन चीज ये है ना कि इस पूरे प्रोसेस में मैं कैसा व्यक्ति बन के निकला हूँ, बिकॉज मैं मेरे को क्या हो गया ना, पहले आज से 1 साल पहले ये चीज थी कि मैं जो व्यक्ति था उस चीज में कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि ठीक है चल रहा है लाइफ चल रही है, बिकॉज अभी तो लाइफ इतनी देखी भी नहीं है, मतलब 20 साल का बहुत होने वाला हूँ, 2 हफ्ते बाद में बर्थडे है 2 दिसंबर को, सो काफी लाइफ अभी देखी नहीं है, बट अभी लाइफ बहुत देखनी है, लेकिन अभी 20 साल के इस चेक पॉइंट तक, 20 साल का हो चुका हूँ, तो 20 साल के इस चेक पॉइंट तक इस चीज का बहुत मुझे यू नो प्राइड कह लो, आप घमंड भी कह सकते हो, जो अपने परसेप्शन से तब देख रहे हो, मैं उसको प्राइड कहूंगा कि समझ आ गई है कि किस प्रकार से चीजों पे तवज्जो देना है, किन चीजों पर तवज्जो नहीं देना है, कुछ होता है कि ठीक है, एक होता है कि तवज्जो देने वाला इधर क्लियर दिख जाता है कि हाँ इसमें तवज्जो देना ही है, और एक होता है कि नहीं देना, बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है जिसकी न्यूट्रल रहते हैं, क्या दे ना दे समय बर्बाद हो जाएगा, या दूसरी प्रायोरिटीज भी है, तो उस चीजों के प्रति डिफ्रेंशिएट करना आ गया। और एक बात ये भी है कि 1 साल, इस 1 साल के स्पैन में मेरे को ये भी बताते हैं कि मनी इज द बिगेस्ट गेम चेंजर, मनी कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि ठीक है मैं अगर 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में इतना कमा रहा हूँ, तो अगले 5 साल में तो मैं ये लोग बचा दूंगा, इट विल श्योरिटी भी नहीं है, बट वो कॉन्फिडेंस का एहसास आपके अंदर आ गया ना 19 साल की उम्र में कि ठीक है पैसा मेरे पास आया, वो मेरे दम पे आया, किसी ने मेरे को चीज कही नहीं कि ठीक है भाई आप, आपकी सोच अच्छी है, आपकी इनिशिएटिव अच्छी है, चलो आपको जॉब देते हैं, नहीं एफर्ट खुद लगाए, एफर्ट लगा के आपने उसको बनाया, और अगले 1 साल बाद भी चीजें और स्किल करने की कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं कि ठीक है जो भी मिल रहा है रिजल्ट उसी को स्टैगनेंट रखते हुए काम करते हैं, नहीं आज से 1 साल पहले की जो मेरी वीडियो होगी, आज से 5 महीने 6 महीने पहले की जो मेरी वीडियो होगी, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होगा, बट आज की वीडियो में आज क्लैरिटी है, आज की वीडियो में टोन टोनैलिटी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसमें क्लैरिटी है, और अगले 5-6 महीने बाद और चीज़ अच्छी इंप्रूव होगी, काफ़ी कुछ बदलेगा, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि 2 साल पहले नहीं सोचा था कि मैं स्टेज पर बैठ के, इस कुर्सी पर बैठ के यहाँ वन टू वन इस चीज़ कर रहा हूँ, हालांकि इसकी स्केलेबिलिटी इतनी नहीं है, हालांकि 1 साल बाद 2 साल बाद इस वीडियो को मैं रिकैप कर रहा हूँ, शायद कोई देख ले, यूट्यूब पब्लिश करूंगा, पब्लिक करूंगा, शायद कोई देख ले एक आध बंदा, और कुछ एक पॉइंट उठा ले, यहाँ बंदे ने कुछ की, तो मैं लाइव के माध्यम से ये चीज़ होती है कि लाइव के माध्यम से आके एक या दो पॉइंट ऐसे बता दूँ लोगों को, 2-3 लोग मुझे मिले भी जो आज मेरे कॉन्टेक्ट में है लाइव के माध्यम से, तो मेरे को बड़ा वो चीज़ लगती है कि ठीक है यार कहीं ना कहीं चीज़ इंपैक्ट कर रही है लोगों को, आज 2-3 लोग मेरे साथ कॉन्टेक्ट में पूछते हैं कि भैया ये भैया वो, सो 2 साल पहले मैं भी वो चीज़ पूछता था अरे भैया लोग, मतलब आज भी तो सीखता हूँ, ऐसा नहीं, बिकॉज सीखना इज समथिंग कि आपको लाइफ में हर बार कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, जब मैं इस लाइफ से जाऊंगा तो मेरे को चीज़ की क्लिक करेगी कि हाँ यार ये चीज़ भी कहने की था, बट इस वीडियो के बाद मैंने इसको रिकॉल कर लिया, जैसे अगर वीडियो में नहीं करता तो चीज़ रिकॉल भी नहीं होती, सो सबसे बड़ा फियर, फियर अभी भी है लाइफ में, ऐसे कहूँगा सर फियर को मैं सॉर्ट आउट कर दिया, फियर का भी काफ़ी अभी है बने हुए हैं जो भी आई थिंक बने रहेंगे, सबसे बड़ा फियर ये है कि मैं थोड़ा सा हूँ यार, मतलब क्या है कि मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति का जो रिलेशन होता है उसमें मेरे को काम करना है, मतलब बेसिकली इस वीडियो में कह रहा हूँ बात, रिकॉर्डेड रहे मेरी वीडियो ये बात मेरी, कि पर्सन टू पर्सन जो रिलेशन है वो मेरे को बनाना है, अच्छा करना है, मतलब कहने के वो कॉम्पोनेंट मेरे लगता है मिसिंग है, ठीक है मतलब प्रोफेशनल मैं काफी अच्छी वाइब कर लेता हूँ लोगों से, प्रोफेशनली अच्छे लोगों से बात कर लेता हूँ, इस वीडियो से पहले या 2-3 घंटे पहले मैं कर रहा था, एक IIT गुवाहाटी के एक सीनियर है उनके स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे थे, अपने पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहा था, तो वो प्रोफेशनली जोन में आके हम दोनों बात कर रहे थे कि स्टार्टअप की क्या डी चाहिए, मैंने किस तरह से अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया, क्या मेरे लिए वो इंस्पिरेशन रहा, तो वो चीज़ बात कर रहे थे, बिकॉज ये प्रोफेशनल जोन था, हम कोई ऐसा पर्सनली कह रहे थे अरे तेरे घर में कितने लोग हैं, तुम्हें पापा क्या करते हैं, ये सब काम ये हो गए पर्सनल जोन में, आप काम आपके बात कर रहे हो, आप वो सब नहीं काम काम कर रहे थे, करते हो ऐसा कंफर्टेबल होता
ऐसे बात नहीं कर पाता। बस सोशल लाइफ में आके, प्राइवेट लाइफ में आके अपनी, जब आप रियल दुनिया में जाके लोगों से बात करें तो हो गया कि आप वर्चुअल दुनिया में आ गए, बिकॉज लोग ऑफेंड होते हैं, लोग ओपिनियन को ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लोग अपने एक्टिविटीज को इतना माइन्यूट लेवल पे आके मतलब नहीं कर पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मतलब चाहते ही नहीं है ना ऑब्जर्व करना, मेन बात वो है। और लोगों को कितना भी बात बुरी लगे, लोगों को कितनी बार बुरी लगे वो मैटर नहीं करता, हाउ इट विल मेक द डिफरेंस इन देयर ओन वर्क, कि ठीक है इसने मेरे को बात बोली, अनलेस और अंटिल वो बात मेरे को दिल पे नहीं लगती तब तक मैं स्वीकार नहीं, मतलब लगी बात हाउ किस बंदे ने कही है, किस तरीके से कही है, डजंट मैटर, दिल पे लगी बात, आई एम गोइंग टू मेक द सिचुएशन वर्स्ट। तो वो चीज है यार, मतलब वर्चुअल दुनिया थोड़ी सी, मतलब इंस्टाग्राम पे काफी मैं हूँ एक्टिव, बिकॉज वही पर्पस है, मैंने पहले भी लाइव में बताई हुई है चीज की, मेरा इतनी स्टोरीज लगाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर 100 लोग देख रहे हैं उस स्टोरी को, दो तीन लोग कहीं ना कहीं हल्की कुछ समय के लिए स्माइल आए कि हाँ यार क्या लगाइए, क्या क्लिक करिए वो, जैसे मेरी क्लिक करके मैंने स्टोरी को रिपोस्ट करा, दो तीन बंदे और उनके उनको क्लिक कर जाए, तब किसी के लिए वही स्माइल का रीजन बनते हो ना, तो मेरा वही है, मैं पर्पस यार कि लोगों की स्टेबिलिटी लाइफ में, लोगों की ग्रोथ का पर्पस है, तो सिर्फ अर्न करना, किसी की कॉर्पोरेट स्लेव बन के रह जाना, किसी की दूसरों के सपने पूरे करना, मेरे को जनरेशन के सपने पूरे करने हैं, और ये मेरा 20 साल वाला अब है, मतलब 20 साल वाला वर्जन कह रहा है 60 साल वाले अब ऐसे कि हाँ जब वो 60 साल का अब है, बैठा रहेगा किसी कुर्सी पे, तो इस दुनिया किसी ना किसी कोने में वो बात होगी कि हाँ हमारी जनरेशन को स्टेबिलिटी देने का मेन जो किया है अभय प्रताप सिंह ने किया है, कौन है कम जानते हैं, अभय प्रताप सिंह ने किया है, तो वो मेरा लाइफ का मिशन स्टेटमेंट है, इस पे मैं अपने काम कर रहा हूँ, अपना उतार रहा हूँ, अभी प्रिपरेटरी फेज में हूँ यार, मतलब मैं रियल मंच में नहीं उतरा हूँ और मैं भी चाहता भी नहीं हूँ, प्रिपरेटरी फेज में हूँ, वैसे मेंटली मैं उतना नो मेच्योर नहीं हूँ, आई नो, वैसे पर प्रोफेशनली आई नो कि मेरे पास वो एक कॉन्फिडेंस जो लोग लैक करते हैं, इस चीज का मेरे कॉन्फिडेंस है कि जो कॉन्फिडेंस लोग लैक करते हैं कि हाउ व्हेन वेयर व्हाई को पुट ऑन करें, वो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, उसको उनका एक टेम्पलेट मेरा ऑलरेडी सेट है, और मैं उस चीज को सिर्फ बना के रखता नहीं हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे को उस चीज का यू नो प्राइड है कि मैं सिर्फ चीज सोच के नहीं रखता कि हाँ यार ये चीज कर सकते हैं क्या, मेरे में क्या कर सकते हैं, डू इट नाउ यार, हाउ विल इट मेक द डिफरेंस, वो बात ही बात है, मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने चीज पे अपने आप को रख दिया, अपना पहला स्टेप रख दिया, दैट्स हाफ वे डन, इसके बाद क्या चीज हो रही है, तो मेरे को उस चीज का कॉन्फिडेंस, लोग इतना नहीं कर पाते, बस बस देख रहा हूँ अपने एज के 19-20 साल 21 साल के लोगों को, लोग कंफ्यूज है यार, मतलब